होना सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा की, वो इसकी वजह से होता है कि क्या होता है कि सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमारा गला एकदम से ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं सूखा पड़ा है हमारे अंदर ना, एकदम से थ्रॉट इन बिल्कुल सोर हो जाएगा, बिल्कुल कह लो कि हमारा गला इतना सूख जाएगा क्योंकि मॉइस्चर नहीं होएगा अंदर, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होएगा, मॉइस्ट कंडीशन नहीं होएगी। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा सोर थ्रॉट, यानी कि हमें गला एकदम से सूखा होएगा, हमारा फीवर, टायर्डनेस, मसल एंड बॉडी एक्स, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, एकदम से हम लोग ऐसे हो जाएंगे, ठंडे फिर जाएंगे ना, जैसे उस टाइप का हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं मम्स के, ठीक है, बेसिकली जो वायरस है वो कॉज कर रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये सिम्टम्स हैं, बेसिकली हमारा इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ता है, हमारे थ्रोट के ऊपर, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे ज़्यादा ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो इसके डायग्नोस के लिए क्या क्या होता है, डायग्नोसिस में जब भी हम लोगों ने इसके चेक करने, सबसे पहले तो सिम्टम्स, अगर हमें सिम्टम्स आ रहे हैं ऐसे इस तरह के, तो हम लोग सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। सबसे पहले तो हमें डायग्नोस में उसके सिम्टम्स देखने हैं कि वो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसमें कि नहीं, ठीक है, उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, करंट उसके जो टेस्ट वगैरह करवाएंगे, डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, वहाँ से उसके कंडीशन का पता चल जाएगा कि किस हद तक उसका नॉर्मल है ब्लड वगैरह, या उसमें जितने भी जो भी टेस्ट रेकमेंड किए जाएंगे, करंट मेडिकेशंस, वो कोई दवाई वगैरह तो मेडिसिन तो नहीं चल रही है उस वजह से भी हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री में कोई अगर प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई किसी को पहले से ये चीज़ होती है, डिसीज़ होती है, तो जेनेटिकली भी वो चीज़ जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि अगर डायग्नोसिस में ये चीज़ है कि नहीं, ठीक है। तो फिज़िकल एग्ज़ाम लेंगे हम उसका, पेशेंट का, कि जब भी हमें ये सिम्टम्स दिखेंगे तो हम लोग उसकी डायग्नोसिस करने के लिए उसका फिज़िकल एग्ज़ाम लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से देखते हैं, उसमें सिम्टम्स वगैरह देखते हैं अच्छे से कि फिज़िकली उसको ये सिम्टम्स हैं कि नहीं, चेक करना, मतलब फिज़िकल एग्ज़ाम चेक करना, ठीक है। तो उसका ब्लड टेस्ट लेंगे, उसमें एंटीबॉडीज़ में जो उसके ब्लड टेस्ट में देखेंगे कि उसकी जो अंदर अपना क्या बोलते हैं ब्लड है, ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, मम्स वाले जो वायरस की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, ये हमें उसके ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा, ठीक है। तो थ्रॉट कल्चर लेंगे हम लोग, अगर तो उसके थ्रॉट में इन्फेक्शन गई है, ठीक है, उसका गला सूख रहा है, हमें इन्फेक्शन दिखेगी, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उसकी गले की जो हम लोग ये अपना जैसे कोरोना का लेते हैं तो थ्रॉट का सैंपल लेते हैं ना स्वैब, उसी तरह हम लोग इसका जो है सैंपल लेंगे, उसको देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि अगर इसमें वो चीज़ है, वायरस है, देन हम लोग क्या बोले आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये फैलता कैसे है, बेसिकली होता कहाँ पे, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक और वाया थ्रॉट में एंटर करता है। तो बेसिकली जब भी कोई स्नीजिंग करता है या कफिंग होती है किसी को, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है ये स्प्रेड होएगा, ठीक है। इसकी जो स्प्रेड ट्रांसमिशन की जो कंसिस्टेंसी है, जो ये स्प्रेड होता है, मम्स इज स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग और टचिंग समथिंग इन्फेक्टेड विद द मम्स वायरस। अगर कोई वायरस से कंटामिनेटेड हो गया किसी वजह से, तो उसको सबसे ज़्यादा क्या होएगा, कफिंग वगैरह, स्नीजिंग वगैरह होगी, जिसकी वजह से वो आसपास भी स्प्रेड कर देगा, ठीक है। सो इट कैन अकर एनी टाइम फ्रॉम अ फ्यू डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स टू 9 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, अगर हमें ये वाला वायरस आ जाए अंदर, देन हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, मतलब 9 से 10 दिन के अंदर अंदर वो इतनी स्वेल कर जाती हैं कि हमारे अंदर इस तरह की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट बताया इन्होंने, वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी इट ट्रेवल्स टू द बैक ऑफ द थ्रॉट। जब भी ये हमारे अंदर बॉडी में एंटर कर जाती है, तो बैक जो होती है हमारे थ्रॉट में जाना, नोज में जाना, लिम्फ ग्लैंड्स में जाना, नेक वगैरह में जाना, बहुत टाइम बढ़ जाती है। वेयर इट मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाई मतलब वहाँ पे कितनी ज़्यादा ये अपनी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कर देती है कि जो पेशेंट होता है, जो भी बंदा, जिस बंदे को भी हुई होती है ये इन्फेक्शन, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इस वायरस की कि उसको निकाल पाना बड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक वैक्सीन आता है बच्चे MMR का, MMR की वैक्सीन आती है, ये हमें मीजल्स, मम्स और रूबीला वायरस से हमें प्रिवेंट करती है, ओके। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको मम्स से मतलब ये वाला जो हो गए हैं सलाइवरी ग्लैंड में इस तरह की इन्फेक्शन हो गई है, तो आप उसको MMR का वैक्सीन जो है वो उसको दे सकते हो। चिल्ड्रंस जो होते हैं 1 साल से नीचे वाले, या 1 साल वाले, या फिर 2 साल वाले कह सकते हो थोड़े से, उसको हम लोग 2 doses देते हैं, एक मतलब
दो डोसेस का मतलब कि दो बार हम लोग उसको इंजेक्शन का उसको अप्लाई कर सकते हैं। और बोलते कि अगर बच्चे की जो एज होती है 15 to 18 months का, अगर उसकी एज बिटवीन 15 and 18 months एंड अगेन बेट, तो हम लोग उसको जो है मतलब जो डोसेस वगैरह ऊपर बताई है इन्होंने, 2 doses देनी है अगर 1 साल से ऊपर है या 15 से 18 के मंथ के बीच में है, ठीक है। तो MMR का इंजेक्शन आता है वो हम लोग पेशेंट को देते हैं। देन नेक्स्ट आता है आइसोलेशन प्रिकॉशंस। अगर हमें ये वाले वायरस से इन्फेक्शन होगी है तो हम लोग उसकी प्रिकॉशंस कैसे लेंगे, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। एस जो ये बताया उन्होंने, मम्स इलनेस शुड बी केयर्ड फॉर यूजिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस मतलब अगर कोई बंदा स्नीजिंग करता है तो उसकी ड्रॉप्स वगैरह आसपास पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड होएगा। तो इससे क्योर, इससे बचने के लिए हमें एक तो वेयर मास्क, ओके। दीज पैथोजेंस डू नॉट रिमेन इन्फेक्शियस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाते, लेकिन अगर कोई बंदा आसपास बैठा हुआ है हमारे या कम्युनिटी कोई ऐसी बैठी हुई है तो ये क्या करेगी, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलेगी, ठीक है। तो स्पेशल एयर हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। इसके लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमें एयर हैंडलिंग चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। ये इतनी ज़्यादा कह लो कि हो सकती है कि अगर उस रूम में वेंटिलेशन भी है प्रॉपर तरीके से, फिर भी ये हमें इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हम लोगों ने लेनी है। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन टू कॉल द डॉक्टर, कब हमें ऐसी कंडीशन आएगी कि कब हमें डॉक्टर को कॉल करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर तो कंडीशन ओवर मतलब चली गई है, मतलब हम लोग उसको क्योर नहीं कर सकते हैं, तो देन हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। तो कॉल द डॉक्टर इफ़ यू सस्पेक्ट दैट योर चाइल्ड हैज़ मम्स। अगर आपके बच्चे को या किसी भी पर्सन को कह सकते हो कि अगर ये वाले सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाओ, देन इसको डायग्नोस करवाओ। अगर तो डायग्नोसिस में वो मम्स का डिटेक्शन हो जाता है, वो आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर कॉल दी डॉक्टर, टेम्परेचर चेक करेंगे, अगर 101 degrees Celsius पे है देन हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। मम्स कैन ऑल्सो इन्वॉल्व दी ब्रेन एंड इट्स मेम्ब्रेन्स। कॉल दी डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ योर चाइल्ड हैज़ एनी ऑफ दी फॉलोइंग। अगर बच्चे को स्टिफ नेक, स्नीजर्स ठीक है ज़्यादा आ रही है, ठीक है, एकदम से हेडेक हो रही है उसकी, ड्रॉसिवनेस मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो गया उसका, बीपी वगैरह भी कह सकते हो, या उसकी हेल्थ एकदम से डाउन होती जा रही है, तो आप लोग डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाओ, क्योंकि ये इफ़ेक्ट ब्रेन के ऊपर भी पड़ सकता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी आ जाती हैं अगर हम लोग टाइम से पहले, अगर हम लोग टाइम पर रहते इसको क्योर नहीं कर